हेलो गाइस, आज मैं आटा नूडल्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज, गाजर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लिया है। इन्हीं इंग्रेडिएंट से मैं आज नूडल्स बनाऊँगी। एक तरफ गैस में पानी उबलने रख दूँगी, नमक और एक चम्मच रिफाइंड तेल डालकर। सबसे पहले मैं चार अंडों को कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये फ्राई हो रही है। हल्का हल्का सा नमक डाल दूंगी और ये धीरे धीरे ये फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के बाद इसे मैं एक प्लेट में रख दूंगी। इधर पानी उबल गया है तो नूडल्स डाल दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना बनाना चाहती हैं। मैंने तीन से चार से पांच पैकेट डाले हैं और ढक के रख दूंगी। उबल रहे हैं मेरे नूडल्स। और एक तरफ गैस में कढ़ाई में दो से तीन चम्मच तेल डालकर जो कटे हुए इंग्रेडिएंट्स रखे हैं वो एक एक करके मैं डाल दूंगी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को हल्का भून लूंगी और फिर ये सोटे कर लूंगी थोड़ा। देखिए, और अदरक भी डाल दिया है। देखिए, ये फिर मैं इसमें गाजर डालूंगी। अभी गाजर और प्याज है, ये डाल रही हूँ। देखिए, और ये देखिए हल्का भून दे रही हूँ। और मैं यूज़ इसके जो नूडल्स के मसाले आते हैं ना वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और देखिए, ये मेरे नूडल्स भी उबल गए हैं और इसे मैं अब उतार दूंगी। सारा पानी में झेल दूंगी और नूडल्स देखिए छान लिया है मैंने छलनी से, बड़ी एक छलनी में। और साफ पानी से मैं इसे ठंडे साफ पानी से धो डालूंगी। धोने के बाद इसे इसमें मैं हल्का तेल डालूंगी। अब ये देखिए, सारा तेल पानी निकल गया है। और क्योंकि मेरे जो पानी आ रहा है नल में ना, वो थोड़ा सा हल्का गंदा आ रहा है, तो मैं जो पानी स्टॉक में रखती हूँ पीने वाला, वो उसी से मैं धो देती हूँ। और हल्का सा तेल डालकर मैं रख दूँगी नूडल्स में, हल्का सा तेल डाल दूँगी। और ये देखिए, मेरे हल्के से सोटे हो गए हैं, तो मैंने इसमें नमक और हल्की आधे चम्मच चीनी डाली है। और ये सोया सॉस डाला है, सोया सॉस डाल के भी थोड़ा सा सोटे कर लूँगी। और फिर मैं बताया ना कि मैं मसाला नहीं डालती हूँ, जो नूडल्स के मसाले आते हैं वो नहीं डालती हूँ, मैं मैगी मसाला डालती हूँ। ये दो पैकेट मैगी मसाला मैंने डाल दिया है इसमें। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और ये जो तेल हल्का सा मिला के मैंने नूडल्स को रखे थे वो एक एक करके थोड़ा धीरे धीरे डालती जाऊँगी, फैलाते जाऊँगी। और देखिए इस तरह धीरे धीरे, और हल्का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हल्का मतलब फैला दूंगी जिससे कि वो ये ना हो जाए, गिल्टी ना पड़ जाए, उसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए। तो नूडल्स डाल के अच्छी तरह स्पैचुला से हल्के हल्के हाथों से मैं मिला लूंगी। और ये अंडा डाल दूंगी जो भुर्जी बना के रखी थी, उसे भी मिला दिया मैंने। देखिए, हल्का हल्के हाथों से मैं स्पैचुला से धीरे धीरे हिलाऊंगी। हिला लिया, देखिए ये नूडल्स मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये नूडल्स तैयार हो गए हैं। और देखिए ये, और आप भी अपने घर पर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।